नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत एक बार फिर एक बड़े अपराध की घटना सामने आई है, जहां एक 30 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म अंजाम दिया गया। दरअसल घटना कुछ ऐसी है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली एक 30 वर्षीय महिला, जिसका अपने पति से कुछ झगड़ा हुआ था और वो काम के सिलसिले में काम ढूंढने पुणे शहर आई थी, तब गाड़ी में नाला सुपारा निवासी एक नरेंद्र मौर्य नामक शख्स के साथ उसकी पहचान हुई और नरेंद्र ने उसे यह कहा कि वो उसे मुंबई में काम दिलाएगा। महिला को जब पुणे में काम नहीं मिला और उसने नरेंद्र से संपर्क किया, तब नरेंद्र ने उसे मुंबई नाला सुपारा बुलाया और वहां अपने घर में रखा, फिर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना अंजाम दी, जिसके बाद उसने महिला को जैसे तैसे समझा बुझाकर अपने दोस्त के घर भेज दिया, जहां उसके दो दोस्तों ने महिला के साथ फिर सामूहिक तौर पर दुष्कर्म किया। इन आरोपियों का नाम पंचराज सिंह और प्रकाश सिंह बताया गया है। इस तरह से महिला सामूहिक रूप से दुष्कर्म का शिकार होने के बाद आचोले पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां उसने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आचोले पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत मामले में कार्यवाही करते हुए तीनों आरोपी को हिरासत में लिया और आगे की जांच पुलिस कर रही है। इस मामले में आचोले पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस अधिकारी बाला साहेब पवार ने क्या कुछ कहा, सुनिए वीडियो में आगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर बताइए, सामूहिक अत्याचार का मामला दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला है? आचोले पुलिस स्टेशन में 8/9/2024 को एक पीड़ित महिला की शिकायत आई थी। रात को ज्योतिष उम्र की है, वो यूपी की रहने वाली थी, तो उसने आके तीन लोगों ने दो जगह पे उससे शारीरिक संबंध प्रस्तावित किए, ऐसा उन्होंने एफआईआर दी। हमने एफआईआर दर्ज की, तीनों आरोपी को रातों रात 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट किया, उनकी पुलिस कस्टडी ली हुए है 5 दिन के और इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये महिला कहाँ से कहाँ जा रही थी, कहाँ ये पीड़ित महिला, ये उसके पति से झगड़ा होने की वजह से यूपी से प्रयागराज से पुणे जा रही थी काम ढूंढने के लिए। रास्ते में आरोपी नंबर एक है, उनसे उनकी पहचान हो गई थी। वो पुणे में आपको काम लगता होगा बम्बई में, तो मुझे बोलो। वो वसई आचोले के रहने वाला था, वसई का। तो बाद में काम ढूंढने के लिए उन्होंने उसके तरफ आ गई थी, ऐसी उनकी पहचान थी। चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।